काविंद्र चौहान के साथ। मार्च 2020 वो तारीख जब पूरा देश एक स्वर में एक बात कह रहा था, पूरा देश कह रहा था कि आज हमारे देश के डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिकल स्टाफ, हर कोई एक ही आवाज सुन रहा है, इमरजेंसी की आवाज, एम्बुलेंस के साइरेंस, लाल लाइट जो इमरजेंसी के ऊपर होती है, हर वो चीज पूरा देश बोल रहा था। पूरा देश बोल रहा था कि कोरोना के खिलाफ हमारी इस जंग में डॉक्टर्स सबसे आगे खड़े हैं, नर्सेस सबसे आगे खड़ी। 22 मार्च 2020 वो तारीख, और तब हम सब ने कहा था कि 5 बजे, शाम के 5 बजे आना है, और शाम के 5 बजे आकर हमको थाली बजानी है, एंड द साउंड ऑफ अनटोल्ड ग्रेटिट्यूड कम आउट इंडिया, जनता कर्फ्यू। ये वो तारीख थी जब जनता कर्फ्यू लगा था और शाम के 5 बजे पूरा भारत एक हो रहा था। डॉक्टर्स और नर्सेस के प्यार में और सम्मान में पूरा देश ताली और थाली बजा रहा था। द साउंड ऑफ ग्रेटिट्यूड मेड वेंडर अराउंड द वर्ड्स एंड हूज थ्रू द ड्रिप ट्यूबिंग्स, ये पूरा देश कह रहा था कि यह साउंड इतना तेज होना चाहिए कि किसी भी पेशेंट की चीख या उसका दुख बाहर ना आए, बल्कि ये साउंड बाहर आए और पूरे देश को सुनाए कि आखिर देश आज क्या सोच रहा है। और आने वाले सालों में ये स्पिरिट, ये डॉक्टर्स और नर्सेस की स्पिरिट लोग याद रखेंगे, लोग ध्यान रखेंगे कि किस तरह इस लड़ाई में, इस जंग में डॉक्टर और नर्स सबसे आगे खड़े थे एज अ हीरो। और उन सभी को ये क्लिप अब आवाज के साथ सुननी चाहिए। तारीख 23 सितंबर 2020, ये वो तारीख जब हमारे देश के उस वक्त के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा था फ्लोर ऑफ द हाउस पर कि सरकार नहीं जानती कि कितने डॉक्टर्स की कोविड की वजह से मौत हुई। और उसी वर्ष इस तरीके का बयान, इसको पूरे देश ने क्रिटिसाइज किया। ये उसी तरह से था कि हमारे देश के रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर कहें कि वो नहीं जानते कि हमारे देश में कितने सैनिक शहीद हुए। ये शेमफुल था। और ये वो नाम जो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखेंगे, ये वो नाम हैं जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जारी किए और बताया कि भारत ने 382 इंडियन डॉक्टर्स को खो दिया है जो हमारी इस लड़ाई में सबसे आगे खड़े थे और हमारे लिए लड़ रहे थे, और इनको बताया था ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव। डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो उस वक्त हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे, उनको ये नाम बताए गए थे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से कि सर आप ये नाम देखिए और इन नामों को देखकर आप पहचानिए कि ये कौन है और बताइए पार्लियामेंट में। और इसके बाद आती है तारीख 2 अक्टूबर 2020। दर्शकों, ये वो तारीख थी 2 अक्टूबर 2020 की जब अखबारों में नाम पब्लिश हुए पहली दफा। तो इससे पहले तारीख थी 23 सितंबर 2020, जब गवर्नमेंट ने सदन के फ्लोर पर कहा था कि वो नहीं जानते कि कितने डॉक्टर्स कोरोना की वजह से मरे, नहीं जानते। इसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने नाम जारी किया, और जिसके बाद अखबारों में वो तस्वीर छपी। ये तस्वीर देखिए जो अखबारों में छपी, अखबार में बकायदा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से तस्वीर छापी गई जिसमें उनके चेहरे भी थे कि जिनको हमने खो दिया, जिन्होंने हमारे लिए लड़ाई लड़ी। ये वो तस्वीरें अखबार में जारी हुई। इसके बाद आती है तारीख 4 अक्टूबर 2020, और इस तारीख में एक 7 महीने की प्रेग्नेंट एक महिला, डॉक्टर प्रतीक्षा वॉल्डेकर,
अमरावती इरविन गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, जिनकी मौत हो गई कोविड की वजह से, उनकी तस्वीर देखिए आप। वो सिर्फ 33 साल की थी। इनका नाम है डॉक्टर प्रतीक्षा वॉल्डेकर। ये अमरावती इरविन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोविड की वजह से इन्होंने अपनी जान खवाई। ये सिर्फ 33 साल की थी, इनकी कंडीशन खराब थी, तो प्रतीक्षा से कहा गया कि आप छुट्टी पर चली जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मैं नेशनल ड्यूटी पर हूं, और वो कोविड पेशेंट्स का इलाज करती रही और फिर उनकी मौत हो गई। तो दर्शकों, ये वो तस्वीर है डॉक्टर प्रतीक्षा की, जिसको आज पूरा देश देखना चाहिए कि कैसे 4 अक्टूबर 2020 को अमरावती इरविन कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में, ये डॉक्टर थी, इनकी तबीयत खराब थी, इनसे कहा गया कि आप ठीक है जाइए, छुट्टी पर चाहिए। तब इन्होंने कहा कि नहीं, मैं नेशनल ड्यूटी पर हूं, अगर आज मैं छुट्टी पर चली गई तो मेरी वजह से ना जाने कितने लोगों की जान जा सकती है, क्योंकि देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स। दर्शकों, होली आई, अगले बरस 2021 आया, होली आई। होली पर टाटा स्टील्स की तरफ से एक वीडियो आया। अब मुझे नहीं पता, उस वक्त मेरे पास शब्द नहीं थे कि कैसे इस वीडियो को शब्दों में पिरोया जा सकता है, और आज भी मेरे पास शब्द नहीं है। इस वीडियो को जरा आप ध्यान से देखिए। चले जा रहे बेटा, तुम भी आ जाना। कुछ होली मीम्स हैं क्या? फॉरवर्ड कर दो ना प्लीज। बस करो, देखो सब बुला रहे हैं। कमा पहले तो बहुत खेलती थी, पर पहले जैसा कुछ नहीं है। इस होली का कोई मतलब नहीं है। है ना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, आज भी, कल भी, हमेशा। खुद को रोको मत, आगे बढ़ो। सैड, और ये तारीखें आज भी दुख देती हैं, लेकिन 28 दिसंबर 2021 ये वो तारीख जब हमने देखा कि किस तरीके से हमारे डॉक्टर 28 दिसंबर 2021 जब हमने देखा कि किस तरीके से आज हमारे डॉक्टर्स के साथ व्यवहार किया जा रहा है। क्या वो तस्वीरें पूरे देश ने नहीं देखी कि किस तरीके से आज रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं? ये पूरी क्रोनोलॉजी जो 22 मार्च 2020 से शुरू हुई थी, उसी क्रोनोलॉजी के साथ मैंने कार्यक्रम को शुरू किया, और आज मैं 28 दिसंबर 2021 को ये कार्यक्रम कर रहा हूं। तो 22 मार्च 2020 को जब हम थाली बजा रहे थे इन्हीं डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से 23 सितंबर 2020 को हमारे हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन साहब को यह भी नहीं मालूम था कि हमारे कितने डॉक्टर्स की मौत हुई, और उसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को बकायदा बताना पड़ा कि देखिए इतने लोग आपकी जान बचाते बचाते चले गए, ये डॉक्टर्स, इनकी लिस्ट जारी हुई।
इसके बाद अखबार में आई और दर्शकों आज हम बैठे हैं, फिर बैठे हैं। ये वीडियो आपने देखी, ये कई घरों की वीडियो थी, कई घरों की यही तस्वीर थी। कई डॉक्टर्स चले गए, उनकी पत्नियां विधवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए। एक पिता ने जीवन भर अपने बेटे को पढ़ाया, जब वो डॉक्टर बना और वो सबसे आगे की पंक्ति में खड़े होकर जब लड़ाई लड़ रहा था वो भी चला गया। ये सब तस्वीरें हमने देखी और आज 28 दिसंबर को हम क्या तस्वीर देख रहे हैं? हम तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे डॉक्टर्स पर बदसलूकी की जा रही है, हमारे डॉक्टर्स को रोका जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि नीट पीजी 2021, दर्शकों नीट पीजी 2021 ये बम्पर के जरिए आप देखिएगा कि नीट पीजी 2021 का मसला है, जो कि पहले शेड्यूल हुई थी जनवरी 2021 के लिए, किसकी काउंसलिंग होगी जनवरी 2021 में, लेकिन पोस्टपोन कर दी गई 18 अप्रैल के लिए। 18 अप्रैल के लिए पोस्टपोन करने के बाद फिर पोस्टपोन कर दी गई 12 सितंबर के लिए। 12 सितंबर के बाद रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए 28 सितंबर को। और आज जब मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूं तब दर्शकों इसकी काउंसलिंग ना होने के वजह से, नीट पीजी की काउंसलिंग ना होने की वजह से आज रेजिडेंट डॉक्टर्स लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या कभी हमने सोचा था कि हमारी जान बचाने के लिए जो डॉक्टर लड़ रहे थे एक वक्त पर उन्हें अपने लिए भी लड़ना होगा? और आज नो काउंसलिंग फॉर एडमिशंस येट ड्यू टू पेंडिंग केसेस इन सुप्रीम कोर्ट ओवर EWS कोटा कॉजिंग अ शॉर्टेज ऑफ 45,000 बिलो डॉक्टर्स इन द हेल्थ सेक्टर। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट खुद सुओ मोटो लेता है, जो कोर्ट्स आतंकवादियों के लिए रात में खुल जाते हैं, वो कोर्ट भी आज शांत है। और इसकी वजह से आज 45,000 से ज्यादा डॉक्टर्स की शॉर्टेज है हेल्थ सेक्टर। और दर्शकों कल यानी 29 दिसंबर से सुबह 8 बजे से रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कहा है कि पूरे देश में, पूरे मुल्क में, पूरे भारत में वो हड़ताल पर जा रहे हैं। और उनकी हड़ताल पर जाने की वजह से क्या हो सकता है, बहुत मजबूरियां रही होंगी जब डॉक्टर हड़ताल पर जा रहे हैं। उनके हड़ताल पर जाने की वजह से क्या मजबूरियां रही होंगी इसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले अगर ये हड़ताल पर जाते हैं तो किस तरीके की तस्वीरें आएंगी। आप एक महिला की, सफदरगंज हॉस्पिटल में एक महिला आज पहुंची इमरजेंसी ड्यूटी में, वो क्या कह रही थी? सफदरगंज हॉस्पिटल में जो महिला पहुंची वो क्या कह रही थी, इस वीडियो को जरा देखिएगा। हॉस्पिटल में पहुंची थी, सफदरगंज हॉस्पिटल में इनके बेटे को बताया जा रहा है कि काफी सूजन हो गई थी, आज सुबह का मामला है। सफदरगंज हॉस्पिटल में पहुंची लेकिन उनके साथ क्या हुआ, इमरजेंसी ड्यूटी पर बताया गया कि कोई डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, और इस वजह से वो महिला दिखा नहीं सकी।
तो दर्शकों, ये सफदरगंज का मामला है जहां पर एक महिला अपने बच्चे को लेकर पहुंचती है, छोटे से बच्चे को लेकर, और बताती है कि उसके सूजन आई हुई है, लेकिन जिसके बावजूद वहां कोई डॉक्टर मौजूद नहीं होता। तो दर्शकों, जब देश पे 45,000 से ज्यादा जूनियर डॉक्टर्स की कमी हो सकती है, रेजिडेंट डॉक्टर्स की कमी हो सकती है, तब भी वो कोर्ट जो सुओ मोटो लेते हैं, वो कोर्ट जो रात में खुलते हैं फॉर द हियरिंग्स ऑफ टेररिस्ट्स, आज वो शांत है। और इसी शांति की वजह से हमारे देश में 45,000 से ज्यादा डॉक्टर्स की कमी होने को है। 44,000 से ज्यादा क्वालिफाइड डॉक्टर्स आर वेटिंग टू ज्वाइन, 88,000 डॉक्टर टू सर्व, मतलब 44,000 से ज्यादा डॉक्टर्स वेट कर रहे हैं कि कब वो अपने साथियों 88,000 जो डॉक्टर्स हैं उनको ज्वाइन करेंगे और फिर वो हमारे देश के 135 करोड़ से ज्यादा लोगों का इस पैंडेमिक में इलाज कर सकेंगे, जो पैंडेमिक बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा है। तो दर्शकों, ये तस्वीरें हैं जो आज आपके सामने लाया एक एक करके। नीट पीजी की काउंसलिंग ना होने की वजह से, देरी होने की वजह से डॉक्टर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और वो क्या कुछ कह रहे हैं जरा डॉक्टर की भी एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूं आपको, जिसमें डॉक्टर्स कुछ कहते हुए आपको दिखाई देंगे। उस क्लिप को जरा चलाइएगा। चलिए तो ठीक है, इस वीडियो में कुछ ऑडियो की समस्या हो रही है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये लड़की, ये बेटी कह रही है कि हमने कोरोना काल में सबसे आगे बढ़ चढ़ के एज अ फ्रंट लाइन वर्कर हमने काम किया, लेकिन इसके बावजूद आज हम क्या कुछ देख रहे हैं। आपने डॉक्टर्स की ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरीके से डॉक्टर्स, ये हाल है जिन पर पुष्प वर्षा की गई थी, आज उनको बसेस में ठूंसा जा रहा है, गाड़ियों में लादा जा रहा है, इनके साथ ये सब कुछ किया जा रहा है। 22 मार्च को वो तस्वीरें जब कहा जा रहा था कि डॉक्टर्स के लिए ताली बजाइए थाली बजाइए, और आज ये तस्वीरें हैं। ओपीडी बंद है, इमरजेंसी सेवाएं ठप हो जाएंगी कल से, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कह दिया है कि अब उनकी नहीं सुनी जाएगी तो वो मजबूर हैं और वो अब ये कदम उठा सकते हैं। सलमान खान को सांप ने काटा वाली खबर दिन भर चलाने वाली मीडिया को, वो वीडियो क्यों नहीं दिख रहा कि जब डॉक्टर्स ने पुलिस के साथ इस तरीके का व्यवहार किया, ये तस्वीर नहीं दिखा रही है। वो ये दिखा रही है कि सलमान खान को सांप ने कैसे काटा। अगर किसी डॉक्टर का नाम आर्यन खान होता तो इंटरनेशनल कवरेज मिल जाती, याद रखिएगा। अगर डॉक्टर का नाम आर्यन खान होता और वो इस तरीके से बदसलूकी का शिकार हुआ होता तो इंटरनेशनल कवरेज मिलती, कोर्ट सुओ मोटो लेते। डॉक्टर साहब अपने निजी न्यूज चैनल्स चलाते हैं, वहां पर ये बड़े बड़े चैनल्स के सामने टीवियों पे बड़े बड़े चैनल्स चल रहे होते हैं। आज वही डॉक्टर साहब जब अपने निजी नर्सिंग होम में जाते होंगे और देखते होंगे कि जिस तरीके से हमारे साथ आज व्यवहार किया जा रहा है उसका कोई वीडियो कोई न्यूज चैनल में नहीं चल रहा है, तब वो कैसा महसूस करते होंगे, ये वो जाने और हर कोई जाने। लेकिन मैंने क्रोनोलॉजी के हिसाब से समझाने की कोशिश की कि 22 मार्च को हम क्या कह रहे थे और आज 28 दिसंबर को हमारी सरकारें क्या कह रही हैं। 22 मार्च को इन्हीं के सम्मान में ताली बजाई गई थी और आज 28 दिसंबर 2021 को इन्हीं को अपमानित किया जा रहा है। ये देश को देखना चाहिए, ये आज भारत की तस्वीरें हैं। इस भारत में कोरोना वॉरियर्स के साथ क्या कुछ हो रहा है, ये उसकी तस्वीरें हैं। मनसुख मंडाविया से डॉक्टर मिले हैं या नहीं ये वो खुद बताएंगे, लेकिन कल रात को जब वो मिलने जा रहे थे तब पुलिस ने उनके साथ ये व्यवहार किया जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि हम या तो 22 मार्च को सच कह रहे थे या आज 28 दिसंबर की ये तस्वीरें सच हैं। दोनों में से एक ही सच भारत स्वीकार कर सकता है। आज के लिए इतना ही, कल एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। शुक्रिया। देखिए भारत एट 9 कावेंद्र चौहान के साथ।